शादी होती ही तब है जब चार बीवियां हों, वरना एक बीवी हो तो शादी आपकी नहीं होती, बीवी की होती है। इंश्योरेंस एजेंट आपके पास घंटा बैठ जाए तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपका मरना आपके जिंदा रहने से ज्यादा प्रॉफिट वाला काम है। ऐसे ही चार बीवियों वाला बंदा पास बैठ जाए तो वो यकीन दिला देगा कि शादी होती ही तब है जब चार बीवियां हों, वरना एक बीवी हो तो शादी आपकी नहीं होती, बीवी की होती है। गूगल पे गैर शादीशुदा की अंग्रेजी ढूंढो तो अनवरिड निकलती है। चार बीवियों वाले कहते हैं आपकी हर परेशानी का हल चार बीवियों में है। एक बीवी होगी आपको डरा कर रखना चाहेगी, इसीलिए वो घर पर मेकअप नहीं करेगी, बाहर जाते हुए करेगी। चार होंगी तो इस डर से कि कहीं दूसरी ज़्यादा खूबसूरत ना लगे हर कोई बनी सवरी नज़र आएगी। शादी इंसान को ये बुनियादी सहूलत भी मैसर करती है कि आपको लड़ने के लिए इधर उधर खार नहीं होना पड़ता, सब घर में मैसर होता है। चार बीवियाँ होंगी तो सहूलत होगी कि बंदे के पास ये ऑप्शन भी होगी कि आज किससे लड़ना है। मौलवी खादम हुसैन मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने कोई इम्तिहान फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं किया, मैट्रिक में भी 4 साल लगाए और शादी भी मैट्रिक की तरह की। उसके नज़दीक एक बीवी और चार बीवी वालों में वही फ़र्क है जो सिंगल स्टार और 4 स्टार ऑफिसर में फ़र्क हो। मौलवी खादम फरमाते हैं राइटर की चार बीवियाँ हों तो वो और क्रिएटिव हो जाता है, हर रोज़ घर लेट आने पर 4-4 कहानियाँ जो सुनानी पड़ती हैं। वैसे तो चार बीवियों वाला शोहर वो मरीज़ लगता है जिसके पास 4 डॉक्टर हों और उसे आखिर तक ये पता नहीं होता वो किसकी दवाई से मरा। बीवी आपकी निसफ बेहतर होती है। चार बीवियाँ होंगी तो ज़रा सोचें आपके कितने निसफ हो जाएंगे और उनमें से कौन सा निसफ बेहतर है वो भी दूसरों को ही पता होगा। वैसे हमारा माशरा इतना बेहस हो गया है कि हमारे पास से कोई बारात या एम्बुलेंस गुजरे हमने कभी उनके बच जाने की दुआ नहीं की। हम किसी को उसकी गलती पर नहीं टोकते बल्कि उल्टा मुबारकबाद देते हैं, हम खुद शादी पर दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं। वैसे ये है कि शादी के बाद बंदे को यकीन हो जाता है कि दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसे पैदा ना किया जा सके। अगर से मौलवी खादम कहता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मसले दाइयों ने पैदा किए।